पूरी दुनिया में फैले हुए मेरे सभी प्यारे दर्शकों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का भाववंदन नमस्कार। आज मुझे आपको बात करनी है जूनागढ़ रियासत और महात्मा गांधी जी। गांधी जयंती के अवसर पर जूनागढ़ रियासत और गांधी जी के बीच कैसा संबंध रहा था, ऐसी कुछ बातें हमें करनी है। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ लोग का किस्मत ही ऐसा होता है कि उसकी अच्छी बातें शायद लोगों के सामने बहुत आती नहीं। ऐसा ही एक नाम है जूनागढ़ के अंतिम नवाब महाबत खान जी तीसरे। उसने महाबत खान जी ने गांधी जी के साथ बहुत अच्छी तरह संबंध बांध रखे थे। जब गांधी जी हरिजन सेवक संघ या जूनागढ़ रियासत को चंदा देने के लिए लिखते थे, तब तुरंत ही जूनागढ़ रियासत की तरफ से चंदा दिया जाता था। उसका हमें ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाण मिलते हैं। जब गांधी जी ने पेशावर से रुपया 1500 मिल जाने पर जूनागढ़ के दीवान पर आभार प्रकट करने का एक पत्र लिखा था, वह पत्र भी आप यहां देख सकते हो। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी तीसरे को गांधी जी के साथ बहुत बड़ा लगाव था, अद्भुत प्रेम था। इसलिए महाबत खान जी तीसरे गांधी जी को एक बार मिलने के लिए गए थे। तब गांधी जी ने महाबत खान जी से पूछा कि क्या आप मजे में हो, तो महाबत खान जी बोले, हाँ बापू मजे में तो हूं, लेकिन मुझे आपको एक बात पूछनी है। बापू आप ऐसे कैसे भारत का दर्शन कर सकते हो? तब गांधी जी ने हंसकर बोला, अरे यार यही बात है आपको सोचने की। तो गांधी जी बोले, क्या मैं तो यह चश्मे से भारत का ऐसा दर्शन कर सकता हूं, तो चलो अब आप ये चश्मे ले जाओ, आप भी ऐसे भारत का दर्शन कर सकोगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, नवाब ने यह चश्मे से नहीं लेकिन दीवान भूतो के चश्मे से देखा और अपने अपना राज्य गवाया। यह चश्मा महाबत खान जी को गांधी जी ने जो भेंट में दे दिया, वह चश्मा जब जूनागढ़ नवाब जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तब उसने यह चश्मा अपने साथ ले गए थे। उसने यह चश्मा अपना जी की तरह अच्छी तरह रखा था। कुछ सालों के पहले इस चश्मा का नीलाम हुआ और किसी ने यह चश्मा खरीदा, ऐसा समाचार हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। मतलब मेरा कहना यह है, ये दोनों के बीच इतना गहरा संबंध रहा था और गांधी जी ने जो नवाब को भेंट दिया था, नवाब ने ये अपनी भेंट बेनमून समझकर इतनी सालों तक रखा और इतनी जल्दी जल्दी में जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान गए, तब उसके साथ ले गए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसको भी गांधी जी के प्रति लगाव था, यह हमें पता चलता है। जूनागढ़ नवाब ने जब हरिजन सेवक संघ और अन्य ऐसी संस्थाएं थी, उसको जब जब नवाब के पास रियासत में कुछ सुझाव आते थे या कुछ मांगते थे, तब महाबत खान जी ने यह संस्था को दान या चंदा दिया था, यह भी हमें दस्तावेजों से मालूम पड़ता है। जब नवाब महाबत खान जी ने जूनागढ़ का जुड़ान पाकिस्तान के साथ किया और बाद में उसको अपनी भूल पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई कि मैं थोड़ा उतावलापन और दीवान भूतों का पर इतना अंधविश्वास रखने से ये गलत काम हो गया है, तब जूनागढ़ रियासत ने नवाब का आदेश से दो आदमी को गांधी जी को मिलने के लिए भेजे थे। वह आदमी थे जूनागढ़ रेलवे के ऑफिसर थे जेएम पंड्या और काठियावाड़ इंडस्ट्रीज के मालिक मूसा भाई। दोनों दिल्ली गए और गांधी जी को मिले और बोले, बापू हमारे रियासत को अब समझौता करना है, आप बीच में कुछ करिए, हमारा समझौता हो जाइए तो अच्छी बात है।
लेकिन गांधी जी ने तब बताया, यह मैं नहीं कर सकता, अब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास यह बात आ गई है। तब दोनों भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब समय चला गया है, आप सामलदास गांधी से मिलिए, उसने आरजी हुकूमत की रचना की है और बहुत आगे बात ये बढ़ चुकी है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता शायद। तो यह बात हमें आज गांधी जी और नवाब के बीच कैसा कैसा संबंध रहा था, यह हमें दस्तावेजी प्रमाणों से जानने को मिलता है। जूनागढ़ रियासत के साथ गांधी जी का बहुत बड़ा अच्छी तरह का संबंध रहा था। गांधी जी 2-3 बार जूनागढ़ में आ चुके थे और यहाँ अनंत धर्मालय नामक एक बड़ी संस्था है, वहां गांधी जी की सभा हुई थी। गांधी जी का जब अवसान हुआ तब जूनागढ़ में दामोदर कुंड में उसका अस्थि या हड्डी का विसर्जन किया गया था और बड़ा जुलूस निकाला गया था। आज मैंने गांधी जी की गांधी जयंती के अवसर पर जूनागढ़ रियासत और गांधी जी के बीच कैसा कैसा संबंध रहा था, यह मैंने आपको असल दस्तावेजों के प्रमाण पर आधार पर बताया है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी हम सोचते हैं कि यह दोनों के बीच बड़ी लड़ाई वाली बात होगी, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। दोनों आदमी ऐसे ऐसे आमने सामने अंतिम पल पर हो गए, फिर भी दोनों मान सम्मान रखते थे, यह हमें मालूम पड़ता है। बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई नहीं छोड़ते, यह घटना से हमें यह मालूम पड़ता है। तो गांधी जी के जीवन से और जूनागढ़ ने नवाब ने ये गांधी जी के साथ जो संबंध निभाया था, उस बात में से हम गांधी जी के ये गांधी जयंती के अवसर पर कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि ऐसे भी आदमी थे और ऐसे भी संबंध दोनों के बीच रहा करता था। नमस्कार।